उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलने वाले सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील में बाढ़ से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के माध्यम से कराया गया। बांसी तहसील के रानी मोहा भक्त लक्ष्मी घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में बाढ़ से संबंधित बचाव के गुर सिखाए गए। आपदा प्रबंधक मॉल ड्रिल के इस कार्यक्रम में जिले के सभी अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के आपदा मित्र मौजूद रहे और आपदा प्रबंधक प्राधिकरण लखनऊ से आए NDRF की टीम ने आपदा मित्रों को बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए ट्रेंड किया। NDRF की टीम ने मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने आसपास के संसाधनों का बाढ़ के समय किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है इसको सिखाया और लोगों को मानसिक शारीरिक रूप से भी कैसे मजबूत रहकर इन स्थितियों का मुकाबला करना है इसकी भी जानकारी दी। सर, मॉक ड्रिल किया गया, क्या उद्देश्य था इसका? आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा जनपद है वो बाढ़ के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि मानसून में बहुत ही भयावह हो जाती है। ऐसे समय में हम लोग को ज़रूरी है कि यहाँ की जो जनता है वो तैयार रहे और प्रशासन इस बात के लिए तैयार रहे कि कैसे लोग उस समय मदद कर सके। इसी क्रम में NDRF की टीम ने आज आकर डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि कैसे जब कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कार्य करना है और साथ में यह भी जो लोगों को यह भी बताया कि आप किन किन संसाधनों के माध्यम से खुद भी आप स्वावलंबी बन सकते हैं, बाढ़ के समय में आपको दिक्कत नहीं होगी। इस समय इन्होंने बहुत सारे तमाम ऐसे उपकरण दिखाया जो कि घरों में तैयार किए जा सकते हैं और बाढ़ की जो विभीषिका है उससे बचा जा सकता है। सर, क्या ये इस तरह के कार्यक्रम कहीं ऐसी जगह भी आयोजित किए जाएंगे जहाँ महरूम होते हैं जो गाँव या कोई ऐसी जगह? ये यहाँ पर हमारे सारे आपदा मित्र आए हुए थे तो जो हमारे बाढ़ के जितने संवेदनशील इलाके हैं जो हम लोगों ने चिन्हित किया है उन सभी क्षेत्रों में हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर ये जाकर इन चीज़ों को बताएंगे और इसको प्रॉपर हम लोग कराएंगे। इस देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।